इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी वेव रोकने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लॉकडाउन का तरीका अपनाया जा रहा है। दिल्ली यूपी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तमिलनाडु और कर्नाटक ने भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। महामारी की सेकेंड वेव का पीक आया है या नहीं, इसे लेकर एक्सपर्ट्स में मतभेद है। इसलिए भले ही नेशनल स्तर पर लॉकडाउन न लगा हो, लेकिन राज्य सरकारें अलग अलग नामों से कोरोना इन्फेक्शन की चेन ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं। बिना केंद्र सरकार के ऐलान के, बिना प्रधानमंत्री की स्पीच के, इंडिया लगभग नेशनल लेवल के लॉकडाउन में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से असम तक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 17 मई तक फुल लॉकडाउन है। तमिलनाडु में कल से 24 मई तक यानी 15 दिनों का लॉकडाउन लग रहा है। असम में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदियां लगी हैं। तो गुजरात के लगभग सभी बड़े शहरों में 12 मई तक लॉकडाउन है। केरल में 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगा है। पड़ोसी कर्नाटक में भी 15 दिन का फुल लॉकडाउन है। यूपी और दिल्ली ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है और मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों और जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 15 मई तक का लॉकडाउन लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 6 मई से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। बस तकनीकी रूप से ही नेशनल लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, बाकी कोरोना की सेकेंड वेव की भयावहता को देखते हुए पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत लॉकडाउन के शिकंजे में है। कहीं इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है तो कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं पर फुल बंदी तो कहीं पार्शियल लॉकडाउन। उत्तर में पंजाब से पूरब में पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम में राजस्थान से पूरब में ओडिशा तक कोरोना की सेकेंड वेव रोकने के लिए लॉकडाउन रूपी बाधाएं खड़ी की गई हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है। अरुणाचल प्रदेश में राजधानी ईटानगर और आसपास के जिलों में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। तो मणिपुर में 16 में से 7 जिलों में 2 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेघालय और नागालैंड के अहम जिलों में भी लॉकडाउन है। ओडिशा में 19 मई तक फुल लॉकडाउन है। तो तेलंगाना ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। वहीं सिक्किम में 16 मई को लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। कोरोना की सेकेंड वेव इतनी भयानक है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि भारत इस समय कोविड-19 महामारी की सुनामी से गुजर रहा है। भारत में हर दिन तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर यूनिसेफ निश्चित रूप से बेहद चिंतित है। सेकेंड वेव पहली वेव से लगभग 4 गुना अधिक है और वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम औसत देखें तो पिछले 24 घंटे में हर सेकेंड 4 नए केस आए और हर मिनट 2 लोगों की जान चली गई। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वे हम सबके लिए खतरे की घंटी है। पूरे दक्षिण एशिया में कोरोना के केस बहुत चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहे हैं, खासतौर से नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में। पिछले साल के नेशनल लॉकडाउन की आलोचना और उससे गरीबों और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के बाद मोदी सरकार अब तक नेशनल लॉकडाउन का ऐलान करने से परहेज करती आई है। हालांकि कई एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि देश में कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगना चाहिए, पर केंद्र सरकार ने अब तक इस विचार के दबाव में आने से बचने की कोशिश की है। लॉकडाउन से कई नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक है, लेकिन तमाम राज्यों ने अपने यहाँ के चरमराते हेल्थ सिस्टम को बचाने के लिए, तो ओडिशा जैसे राज्यों ने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है। वहीं गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं जो टोटल लॉकडाउन के खिलाफ हैं। तो बिहार जैसे राज्य कोर्ट के चलते लॉकडाउन का सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से लगे लॉकडाउन के फायदे दिखने लगे हैं। पॉजिटिविटी रेट डाउन हुआ है और फ्रेश कोविड केस भी कम हो रहे हैं। रविवार को दिल्ली में 13,336 नए कोविड केस सामने आए, जबकि 273 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 14,738 लोग कोविड-19 से मुक्त हुए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 21.67% हो गया है। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखें तो कई जगह से ये खबर आ रही है कि शायद केसेस कुछ आस्ता आस्ता स्टेबलाइज हो रहे हैं।
जैसे हम देख रहे थे कि पहले जो गति थी केसेस की वो बहुत ज्यादा थी, केसेस एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब कुछ हद तक ऐसे लग रहा है कि कई क्षेत्रों में, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, कुछ हद तक दिल्ली में भी, तो केसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। और उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते तक, 15 तारीख तक शायद हम कुछ एरियाज में केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएं। हालांकि दिल्ली के लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ सरकार ने इसमें और सख्ती बढ़ाते हुए मेट्रो सेवाएं बंद कर दी हैं। मैरिज हॉल या घर के बाहर शादियों के समारोहों पर रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत में भी कमी आई है। फिर भी दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन से लेकर टीकों तक केंद्र सरकार से कई शिकायतें हैं। आप बताइए, किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काटकर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। ये जघन्य अपराध है। अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है भारत सरकार ने। आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। आज लोग मर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए किसी तरह से। यूपी, एमपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में कमी आने पर कुछ लोगों का मानना है कि महामारी की सेकेंड वेव पीक पर पहुंच चुकी है और अब इसमें कमी आ रही है। हालांकि अभी बहुत से एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि देश में रोज लगभग 4 लाख से ज्यादा नए कोविड केस आ रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि सेकेंड वेव पीक पर पहुंच चुकी है। उस पर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कम हो गई है। दो चीजें हुई हैं। एक तो चीज ये हुई है कि हम इस दफा जो वायरस है वो थोड़ा म्यूटेट कर गया है, जो वेरिएंट है वो ज्यादा जल्दी फैल रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि एक परिवार में 2 या 3 लोग कोविड से, उनको कोविड होता था और लोग ठीक रहते थे तो काफी हद तक सपोर्ट मिल जाता था। अब हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव आ रहा है और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी सीरियस इलनेस हो रही है। दूसरी चीज ये हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस हैं वो बहुत शार्प है। पिछले दफा जब पीक हुआ तो केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे, तो हेल्थ केयर सिस्टम को और सब लोगों को समय मिला कि हम आस्ता आस्ता टर्नओवर अपना कर सकते थे, एडमिशन कर सकते थे, लोगों की केयर जो है वो बेटर हो सकती थी। इस दफा केसेस जो हैं वो कुछ ही दिनों में डबल होने लगे, ट्रिपल होने लगे और 15,000-20,000 से हम एकदम 3-4 लाख तक पहुंच गए। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा, ऑक्सीजन के लिए एकदम शॉर्टेज होने लगी और बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की कमी हुई। उसके कारण पैनिक सी सिचुएशन होगी, लोग एकदम घबरा गए। अगर हम दूसरे देशों के उदाहरण देखें तो शायद हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि सेकेंड वेव की पीक आई है या नहीं और आएगी तो कब। फ्रांस में कोरोना की सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 11.7 गुना केस ज्यादा आए थे। अमेरिका में सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 9.3 गुना ज्यादा केस आए थे। ब्रिटेन में पहली वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में 8.7 गुना ज्यादा केस आए, तो इटली में सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से 7.4 गुना केस ज्यादा है। अगर हम इन मिसालों को पैमाना माने तो भारत में मई के अंत से लेकर जून के पहले हफ्ते तक सेकेंड वेव की पीक आ सकती है। वैसे अलग अलग राज्यों में केस की स्थिति अलग अलग होगी। जैसे कि महाराष्ट्र कोविड 19 की सेकेंड वेव के पीक से नीचे लौट रहा है। दिल्ली में भी लॉकडाउन के असर से केस कम हो रहे हैं। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा यह मानना है कि भारत में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पीक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में आएगा। महाराष्ट्र में पीक जो है वो प्रॉब्ली आ रहा है या आ चुका है और आस्ते आस्ते केसेस कम होंगे। इस महीने के 15 तारीख के बाद शायद दिल्ली और सेंट्रल इंडिया में हम केसेस को कुछ हद तक कम देखेंगे और शायद उसके बाद बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी केसेस फिर कम होना शुरू होंगे। तो अलग अलग एरियाज जो है अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। पहले महाराष्ट्र में और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस आए, एकदम वहां पे काफी बुरे हाल थे। अब वही हाल हम देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में हो रहे हैं, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, पंजाब की। लेकिन अब अगर हम डेटा देखें तो आस्ता आस्ता बंगाल में केसेस अब बढ़ने शुरू हुए हैं, आसाम में केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो पीक है अलग टाइम पे अलग जगह पे जरूर आएगा और फिर आस्ता आस्ता केसेस कम भी होंगे।
आगे कोविड 19 इन्फेक्शन की स्थिति क्या होगी, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितनी स्पीड पकड़ता है और सरकारें संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए कितने सख्त उपाय अपनाती हैं। कुछ राज्य सख्ती से काम ले रहे हैं तो तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्य टोटल लॉकडाउन से परहेज कर रहे हैं। बेहद कमजोर हेल्थ सिस्टम वाले बिहार में सरकार ने तब लॉकडाउन लगाया जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आई थी। हालांकि संक्रमण बढ़े तो अब यूपी सरकार भी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 17 मई तक ले गई है। दुनिया के बड़े वायरस एक्सपर्ट्स में से डॉक्टर एंथनी फाउची मानते हैं कि सरकारों और नागरिकों की यही लापरवाहियां भारत को बहुत महंगी पड़े। कोरोना वायरस का संक्रमण कई नजरियों से सावधान करने वाला है। हमने एड्स के वायरस के साथ भी ऐसा होते देखा था, लेकिन तब इतनी नाटकीयता नहीं देखी गई थी कि कोई देश यह कहे कि वायरस हमारे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ वायरस का संक्रमण फैलने का माहौल ही नहीं है। आपको तो पता ही है कि पहली लहर में भारत को मामूली नुकसान हुआ था, इसके बाद भारत में जश्न मनाया जाने लगा, गंगा नदी के किनारे इतना बड़ा मेला लगा। संजय, जब तुमने पिछले हफ्ते टीवी पर दिखाया था कि वहाँ क्या हो रहा था, तो उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने कहा था, हे ईश्वर, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसके नतीजे तो भयानक होंगे, और आपने देखा कि ठीक वैसा ही हो रहा है आज। देश का लगभग हर राज्य इस वक्त किसी न किसी तरह की पाबंदी लगा चुका है जिससे वायरस इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सके। अभी इंडिया सेकेंड वेव को ही काबू करने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपर्ट महामारी की थर्ड वेव की चेतावनी देने लगे हैं। इस साल सितंबर से नवंबर के दौरान हमें कोविड 19 की थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी शुरुआत किस राज्य से होगी और हॉटस्पॉट कौन से राज्य होंगे, ये कहना मुश्किल होगा। अगर हम पश्चिमी देशों की मिसाल लें तो जनवरी फरवरी में अमेरिका वायरस की तीसरी लहर का शिकार हो चुका है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश अभी कोविड 19 महामारी की थर्ड वेव से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों में नागरिकों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण करके महामारी पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ रामबाण है। अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसकी मिसाल है हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश सेशल्स। सेशल्स को दुनिया का सबसे अधिक वैक्सीनेटेड देश कहा जा रहा था। यहां के कुल 1 लाख आबादी में से 60% को टीकों की दोनों डोज और 70% को टीके की कम से कम एक डोज मिल चुकी है। यानी सेशल्स कोरोना के टीकाकरण में इजराइल और ब्रिटेन से भी आगे है। मार्च में सेशल्स ने अपनी सीमाएं खोल दी थी, लेकिन वहां 7,000 से ज्यादा नए कोविड केस आने के बाद नए प्रतिबंध लगाने पड़े। तमाम पश्चिमी देशों के साथ साथ मोस्ट वैक्सीनेटेड नेशन सेशल्स में कोरोना की नई लहर को देखते हुए हमें ये मानकर चलना चाहिए कि भारत में भी देर सवेर इसकी थर्ड वेव आ सकती है। वेव 3 को हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, उसे अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसका स्वरूप क्या होगा। वेव 1 से हमने जो लेसन सीखे हैं, जो सीख हमने ली है कि वेव 1 में जब लॉकडाउन किया गया तो जो भी नंबर ऑफ केसेस थे उसकी वजह से हेल्थ केयर कभी भी ओवर सेचुरेट नहीं हुआ। एक जुमला जो हम लोग यूज करते रहे वेव 1 के दौरान, फ्लैटन द कर्व। तो फ्लैटन द कर्व जो स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज कभी भी ओवर सेचुरेट नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सेकेंड वेव के लिए देश पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने वेव 1 के बाद वेव 2 एक्सपेक्ट नहीं किया और ना हमने प्रिपरेशन किया। वेव 2 की स्पीड बहुत स्टीप थी, अगर हम कर्व देखें तो वो बहुत तेजी से ऊपर गया है और अभी तक भी हमें नहीं पता कि पीक कब आने वाली है। नतीजा ये हुआ कि वेव 2 में सारे देश की हेल्थ फैसिलिटीज ओवर सेचुरेट हो गई। नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ बेड्स और आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन, इंजेक्शन सबसे ओवर सेचुरेट हो गया। नतीजा ये हुआ कि पब्लिक में एक पैनिक की रिएक्शन थी, लोगों ने घर में ऑक्सीजन अरेंज कर ली, ऑक्सीजन स्टॉक कर ली। सेकेंड वेव की भयावहता से सबक लेते हुए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमें तीसरी वेव की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हमें तैयार होना पड़ेगा फेज 3 के लिए अभी से, बट पैनिक से तो कुछ होगा नहीं। जो हमारे पास वैक्सीन है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, अगर इनकी बच्चों की ट्रायल्स फास्ट ट्रैक करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बाहर की जो वैक्सीन है, जो फाइजर जिन्होंने 12 से 15 उम्र के बच्चों में ट्रायल्स करी हैं और सक्सेस पाया है, उनके भी जो इनिशियल ट्रायल्स इंडिया में करके इन्हें भी जल्दी से फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीनेशंस
तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारा पब्लिक हेल्थ जो सारा सिस्टम जो इस समय बहुत तकलीफों में गुजर रहा है उसको जल्दी से जल्दी हैंडल करना पड़ेगा। बच्चों में जो केसेस हो रहे हैं वो जनरली इस सेकेंड वेव में हमने बहुत सारे देखे हैं, पहले से भी ज्यादा देखे हैं, और जनरली एडल्ट से आ रहे हैं। सो जो वैक्सीनेशंस जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी मात्रा जल्दी से बढ़ा के जल्दी से जल्दी एडल्ट्स जो 18 साल से ऊपर हैं तो उनको भी अगर हम मतलब कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए हमें 50-60% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट वेव में अगर कोरोना ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों को संक्रमित किया था तो सेकंड वेव में युवाओं की बड़ी संख्या में इन्फेक्शन और डेथ के शिकार हुए हैं। कहा जा रहा था कि थर्ड वेव में ये वायरस बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि दुनिया के कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव में बच्चों के संक्रमित होने की संख्या तो फर्स्ट वेव से अधिक है, लेकिन जब कुल संक्रमण ही ज्यादा है तो बच्चों की संख्या भी अधिक है। जहाँ तक बच्चों के सीधे तौर पर कोरोना वायरस से प्रभावित होने की बात है तो हमने अब तक ऐसा नहीं देखा है कि सेकेंड वेव में पहली लहर से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हों। फिर भी बच्चों में संक्रमण की संख्या काफी अधिक है। हमने देखा है कि वायरस घर में घुस रहा है, घर का कोई एक सदस्य भी अगर संक्रमित हो गया तो फिर संक्रमण बड़ी तेजी से जंगल की आग की तरह फैल जाता है। फर्स्ट वेव पर सफलता से काबू पाने के बाद हमारी लापरवाही ने ही सेकंड वेव के रूप में पूरे देश पर कहर ढाया। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बड़ा सबक यही है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें ही नहीं, उनके सलाहकार, महामारी के एक्सपर्ट और आम जनता को मिलकर इस महामारी का सामना करना होगा। कोरोना के नए बदलते रूपों और नए स्ट्रेन के पुराने से खतरनाक होते जाने का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। हम इस वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। सेकंड वेव से उबरने के साथ साथ हमें तीसरी लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर देनी होगी अभी से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।